सभी दीदियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर आई हूँ। आपको मैं दीदी कुछ नया नॉलेज देना है। सभी दीदियाँ पूछती हैं मुझे ICRP का काम करना है तो मुझे मानदेय कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी ट्रेनिंग होगी। आज उसी बात पे मैं चर्चा करूँगी। तो देखिए दीदी, मैंने एक दीदी से ऐसे ही बात किया है, उन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताई कि ICRP का उनका चुनाव हो गया, वो ICRP का 45 दिन का काम की हैं और उनको कितना मानदेय मिला और कैसे मिला है। ये आप लोग भी सुने और समझें, करना है या नहीं करना है, करते रहिए, समूह में जुड़ते रहिए। आज के फिर अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जी मैम, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ड्राइव से ICRP टीमें वापस आती हैं अपना ब्लॉक, तो उसके बाद में हमका ब्लॉक के तरफ से कहा जाता है कि आप दो मतलब फिर से समूह अपने ब्लॉक में बनाइए और नहीं तो आपको ड्राइव से निरस्त कर दिया जाएगा, तो क्या ये जरूरी है मैम? हाँ। अच्छा, ये अनिवार्य है कि हाँ बना के देना है? तो कैसे आप ICRP का काम कर रहे हैं अगर नहीं बना के देंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं मैम, हमने पहले यहाँ बना के दिए हुए हैं, उसके बाद ड्राइव से फिर आते हैं तो फिर हमको यही बोला जाता है कि आप दो 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 तीन तीन समूह बना के दीजिए और जो है नहीं तो हम आपको ड्राइव से निरस्त कर देंगे। हाँ जी, ऐसा बोला जाता है। तो क्या अनवर मैम, देखिए समूह बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैम 15 दिन की छुट्टी आते हैं तो क्या हमको घर पे भी तो कोई घर के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं? हाँ, तो इसलिए मतलब हम क्यों हमको सही रास्ता बताइए मैडम, मतलब सही दिशा क्या है? तो समूह बनाने के लिए बोले हैं ना? हाँ जी, बनी को अपने ही ब्लॉक में। तो क्या दिक्कत आ रही है? जी दिक्कत ये आती है, यहाँ पे समूह बनाने में बहुत दिक्कत है, यहाँ महिलाएं तैयार नहीं होती और हमारा जो समय है वो ऐसे ही गुजर जाता है, आया जाना किराया भाड़ा वगैरह कुछ मिलता नहीं है और हमारा जहाँ मतलब हमको लाभ की बजाय नुकसान हमारा हो जाता है। मानदेय मिलता है दीदी? मानदेय जो हम ड्राइव करके आ चुके उसका देंगे, उसमें से भी काफी पैसा काट ले रहे हैं। कितना काट रहे हैं, कितना दे रहे हैं? जी हमको बताया गया था आपको समूह के लिए आपका कटेगा 450, लेकिन 540 रुपए काट रहे हैं और ग्राम संगठन के लिए बोले थे आपका 450 रुपए कटेगा तो उसने भी 540 रुपए काट रहे हैं। बाकी CCL के लिए उन्होंने हमको बताया ही नहीं था, उसमें भी 750-750 रुपए काट रहे हैं। CCL कराने का कितना देते हैं? हाँ जी, CCL कराने का कितना देते हैं? जी हम मतलब 550 रुपए का 750 रुपए CCL का काट रहे हैं और हमारे मानदेय में से। अच्छा। और 450 बताया था कटने के लिए ग्राम संगठन के लिए, तो उसमें भी 540 रुपए कट रहा है और समूह के लिए भी बताए थे 450 रुपए कटेगा तो उसमें भी 540 रुपए काट रहे हैं। इस प्रकार से हमारा काफी मानदेय काट रहे हैं मैडम, तो हमको सही दिशा चाहिए कि जो है सही क्या है। अच्छा, समूह बनाने के लिए कितना बोले थे देने के लिए? हाँ जी, एक समूह बनाने का कितना बोले थे देने के लिए? जी समूह के लिए हमको बोले थे कि 450 रुपया देंगे, लेकिन अपने ब्लॉक में कुछ नहीं दे रहे, ना कोई किराया दे रहे, ना कोई भाड़ा दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा, अदर गांव में बनाएंगी तो कितना देने के लिए बोले हैं? जी हमको मतलब अपने ब्लॉक में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, फ्री में बनाइए। हाँ जी फ्री में बनाइए, ना किराया है ना कोई भाड़ा है। अच्छा, और बाहर तो? बाहर का मानदेय है 450 रुपया एक दिन का, 400 रुपया दे रहे हैं एक दिन का, लेकिन समूह के लिए 450 काट रहे हैं और ग्राम संगठन के लिए 450 काट रहे हैं और CCL के लिए 750 रुपए काट रहे हैं। कैसे समझ में आ रहा है आपको? देख कैसे मैम, देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो नहीं साथ दे रही हैं। मैम महिलाएं मतलब साथ नहीं दे रही हैं, जो मतलब कुछ साथ देती हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है और जो साथ नहीं देती हैं वो बना के दे भी रही हैं।
हाँ जी ऐसा तो हो ये रहा तो है। बताया हुआ है ना कि एक कप बनाएंगे तो फ्री आपको इतना मिलेगा। नहीं बनी कोडर में नहीं मैम, हम आपको अपने अपने ब्लॉक में समूह बनाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब बाहर एक कप बनाएंगे तो कितना देंगे, ये नहीं बता रहे कम कर। बाहर समूह बनाएंगे तो 400 रुपया एक दिन का बताए हैं एक दिन का, और कितना दिन जी। समूह बनाना है? जी 45 दिन की ड्राइव होती है। अच्छा 45 दिन के ड्राइव में आपको एक दिन का 400 रुपया, 45 दिन पूरा जोड़कर, तो हाँ जी उसमें से कितना पैसा काट रहे हैं? उसमें से काटते हैं 450, 450, 900, 750 रुपए एक सीसीएल के लिए। अब आप देख लीजिए कितना हो रहा है, कम से कम हो रहा है मेरे ख्याल से 2000 रुपए लमसम काट रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए 5 दिन का कैसे कट गया आपका? हाँ जी ऐसा करते हैं। 45 इतना दे रहा है तो 400 हिसाब से 5 दिन बाद तो कट गया, हो हाँ गया। जी। और आपको कमरा 40 दिन में दे रहे हैं? हाँ मतलब हमको, हम आपके पास सही दिशा के लिए फोन किए हैं कि हमको सही जानकारी दीजिए कि सही क्या है अच्छा, जी, ये हमको जानकारी चाहिए तो आपने ब्लॉक से संपर्क किया? जी। हमने सब कहीं संपर्क कर दिया, हमने ब्लॉक ब्लॉक पे भी संपर्क किया, हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी संपर्क किया, तो वो बताते हैं कि जो है ये मतलब वो है प्रशासन का मतलब। आदेश हाँ जी कितना काटना है? हाँ जी इतना काटना वो ये बोलते हैं। लेकिन मैम यहाँ पे पता क्या है, जब हम समूह बना के हमारे आगे पीछे बीआरपी घूमती हैं, बैंक सखियां, और यही पूछती है हमारे मतलब हाल चाल, नहीं पूछता कोई कि दीदी क्या बीमार हो या कोई कौन हो, और आगे पीछे बस यही घूमती है, समूह बनाया दीदी, समूह बनाया दीदी, समूह बनाया दीदी, ऐसे करके बोलते हैं। और हमारे मतलब घरेलू मामले, स्वास्थ्य के लिए, या हम इसके लिए कोई कुछ नहीं पूछता उसके लिए कोई आपको फिसलती नहीं है? जी। नहीं तो आप मतलब हमको आपका नंबर मिला है, मैंने व्हाट्सएप मोबाइल पे देखा था। हाँ, ठीक है, अब हाँ मैं जी थोड़ा सा इस सूचना को आगे बढ़ाऊंगी, जी देखते हैं क्या होता है इसके बाद में, कि क्या प्रक्रिया। आपको ट्रेनिंग के द्वारा क्या बताया गया मैडम, ट्रेनिंग में भी यही बताया गया था कि 450 रुपया समूह के लिए कटेगा, जो जिसकी आप कैडर हैं। था? अच्छा, तो क्या वो समय हाँ में पैसा दे रहे हैं? अभी हाँ जी हमारा समूह आया 4 साल हो गया मैम। नहीं, 450 समूह कट रहे हैं, कितना 450 रुपया समूह में दे रहे हैं वो लोग? नहीं भेज रहे हैं मैम। सिर्फ नाम पता कर काटना। हाँ जी ऐसे ही काट लेते हैं, समूहों में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब समूह के नाम से काट रहे हैं, समूह में देना चाहिए और दूसरी बात ये भी है ना मैडम, यहाँ गांवों में भी जहाँ समूह बना रखे ना हम लोगों ने, ना? वहां पे भी मतलब आपस की महिलाएं जुड़ी होती हैं ना, अपने ही टोले मोहल्ले की महिलाएं होती हैं दीदी, हाँ तो लेकिन जो महिला अनरीत करती है उसके लिए आवाज नहीं उठा पाती है। हाँ ये बात तो सही आपने हाँ जी उसके लिए आवाज नहीं उठा पाती है दीदी, और जो सही कार्य करना चाहता है उसको कार्य करने नहीं दिया जा रहा। कहा। हाँ ये बात आपकी सही है। हाँ तो इसका फायदा जो है होशियार महिलाएं उठा ले जाती हैं, जो जानती कुछ नहीं है लेकिन होशियार महिलाएं फायदा उठा ले जाती हैं। ये बात भी आपकी सही है, मैंने भी सूचना सुनी है ऐसी चीजें। हाँ जी तो इसकी मतलब ना तो कोई जांच करता है, हमने कितनी ही बार एप्लीकेशन लगाई, सब कुछ किया, लेकिन किसी कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या कहाँ चाहती है कि सुनाई दे? जी। देखिए हम डिस्ट्रिक्ट पे पहले ब्लॉक में डीएमएमओ के पास में, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पे डीसी सर के पास में, उसके बाद में लखनऊ में भी हमने एप्लीकेशन लगाई। अच्छा, लखनऊ तक तो आपने एप्लीकेशन लगा दिया, हाँ जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी कोई सुनवाई नहीं हुई, और यहाँ मैं मतलब सदस्य हूँ समूह में सदस्य, लेकिन आप तो आईपीआरपी के काम कर रहे हैं। जी, समूह की सदस्य हूँ, और यहाँ जो बुक कीपर है वो पक्षत आप करती हैं,
मतलब हमारे हमको सारी जानकारी है कि पुस्तक कैसे लिखना चाहिए, हाँ, तो कैसे हमें लिखना मालूम चाहिए होगा। जी, लेकिन हमारे कहने के मुताबिक पुस्तक लिखा नहीं जा रहा। मतलब पुस्तक में जो दंड जुर्माना वगैरह सब कुछ लिखना चाहिए और दंड लगाना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं होता मैडम। हाँ, तो पुस्तक सारा खाली का खाली पड़ा है। जब किसी सदस्य को मानदेय पैसा लेना होता है तो प्रस्ताव लिख के और पैसा निकलवा लेते हैं और 10-10 रुपए ऐसे ही जमा कर देते हैं। पैसा जमा करना होता है। हाँ, मतलब बैठक होता ही नहीं, कम से कम 20-20 बैठक। जब किसी को पैसा लेना होता है तब 20-20 बैठक इकट्ठा होता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन हमने कई बार लगाई लेकिन कोई मतलब कार्यवाही नहीं हुई। जब तो आपने लगाया तो भेज दिया, फिर कार्रवाई हाँ जी, लेकिन मैडम हमको मतलब सही दिशा चाहिए कि हम इसकी जो है कहाँ पर इसकी मतलब एप्लीकेशन करें तो जो है हमारा काम हो। नहीं। अच्छा, जन सुनवाई पोर्टल पे जाइए, जन सुनवाई पे एप्लीकेशन जी डाउनलोड कर लीजिए, जी उस पे एप्लीकेशन भेज दीजिए। जी मैम, हो जाएगा काम हाँ, जी मैम मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसमें जी आपको दिख जाएगा कैसे काम किया था। जी मैम, ठीक है। अच्छा दीदी, आप बताइए कहाँ से हैं, अपना परिचय, हाँ जी आप अपना परिचय सुना दीजिए। जी मेरा परिचय है, मैं मतलब बनीकोड़ ब्लॉक से, ग्राम पैनी बाजपुर पंचायत से, मंजीत कौर अच्छा, जी, अब ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक बनीकोड़ मैम, अच्छा जिला, जिला 12 बंकी अच्छा 12 बजे, ठीक जी है दीदी। आप जी वो जन सुनवाई केंद्र है ना, जी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जी उस पे अपना एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए, सुनवाई हो जी जाएगी। ठीक जी मैम, है, ठीक है मैडम, धन्यवाद। चलिए।